कृष्ण जन्माष्टमी ब्रह्मन् भक्त्या करोतियो नरः अन्ते विष्णुपुरम याति कुल कोटि युतो द्विजः। पद्म पुराण के व्रतखंड के चतुर्थ अध्याय में, अध्याय 13 में, ये चतुर्थ व्रतखंड में तो चौथे खंड में 13वें अध्याय में ये श्लोक आया है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कृष्ण जन्माष्टमी व्रत करता है वह अपने करोड़ों कुलों को पवित्र कर लेता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को जाता है। अष्टमी बुधवारे च सोमे चैव द्विजोत्तम रोहिणी ऋक्ष संयुक्ता कुल कोटि विमुक्तदा। अष्टमी भादों कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि हो और सौभाग्य से बुधवार का दिन हो अथवा सोमवार हो, सोमवार की भी महिमा है, और रोहिणी नक्षत्र हो। सप्तमी विद्या जन्माष्टमी व्रत का बड़ा निषेध पद्म पुराण में किया गया, स्कंद पुराण में भी किया गया। सप्तमी विद्या व्रत नहीं करना चाहिए। अष्टमी बुधवारे च सोमे चैव द्विजोत्तम रोहिणी ऋक्ष संयुक्ता कुल कोटि विमुक्तदा। करोड़ों कुलों को संसार चक्र से छुड़ाने वाली है। महापातक संयुक्ता करोति व्रतमुत्तमम सर्व पाप विनिर्मुक्ताः चान्ते याति हरेर्ग्रहम। महापाप से युक्त इस उत्तम व्रत को करते हैं वे संपूर्ण पापों से मुक्त होकर अंत में भगवान के धाम को जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी ब्रह्मन् न करोति नराधमः इह दुःखम् अवाप्नोति सप्रेत्य नरकम् व्रजेत्। अब ये और सुन लो, जो कृष्ण जन्माष्टमी व्रत नहीं करते हैं नराधम अधम मनुष्य, उनको इस लोक में भयंकर दुख मिलता है और मरने के बाद वे नरक गामी होते हैं। इसलिए भैया जन्माष्टमी रामनवमी आदि पर्वों पर व्रत अवश्य रखना चाहिए। बोले तो चलो ठीक है, पुरुष करें व्रत, माताएं न करें? बोले नहीं। न करोति चया नारी कृष्ण जन्माष्टमी व्रतम वर्षे वर्षे चा मूढ़ा नरकम याति दारुणा। जो नारी कृष्ण जन्माष्टमी व्रत नहीं करती है उसे भी दारुण नरक भोगना पड़ता है। जन्माष्टमी के दिन जो कुछ खाता है, जन्माष्टमी दिनो यो वै नरो स्नाति विमूढ़धि महानरक मस्नाति सत्यम सत्यम वदाम्यहम। भगवान व्यास कह रहे हैं मैं सत्य सत्य कहता हूं, जन्माष्टमी के दिन जो कुछ खाता है उसे महानरक की प्राप्ति होती है। इसलिए जन्माष्टमी को कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी व्रत का विधान ही यही है, खाना पीना कुछ नहीं है। हाँ जल पी सकते हो पर कुछ खाना नहीं है, तभी व्रत माना जाएगा, नहीं व्रत नहीं माना जाएगा। अस्नाति, इसमें यह नहीं लिखा है कि फलम अस्नाति या अन्नम अस्नाति, खाता है कुछ भी खाता है, मुंह से कुछ भी ग्रहण करता है वो महानरक मापनोति। हाँ इसलिए महानरक मस्नाति सत्यम सत्यम वदाम्यहम। व्रत का पारण ही होता है पंचामृत से, भगवान का स्नान के बाद जो पंचामृत मिलेगा उससे पारण होगा। दूसरे दिन आहार प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। लोग कहते भगवान का जन्म हुआ हम क्यों भूखे मरें, अरे राम राम, ये नहीं। इससे चित्त की शुद्धि होती है, व्रत से उपवास से चित्त की शुद्धि होती है। शुद्ध चित्त होगा तो भजन में मन लगेगा। आप ठीक से व्रत करो 12 बजे तक बिल्कुल नींद नहीं आएगी आपको। रात्रि जागरण का विधान है और दूसरे दिन आपको नंद उत्सव मनाना है, खूब चकाचक भोग लगाओ, खूब खाओ। लेकिन ये उपवास उपासना का अवसर है, इसमें सात्विकता हमारी बनी रहे।